जनसेवक पार्टी के संयोजक और महम विधायक बलराज कुंडू ने स्पष्ट किया कि मेरा सीएम बनने का सपना नहीं है, बल्कि हरियाणा प्रदेश का विकास करवाने के मकसद से नई पार्टी बनाई है। साथ ही कुंडू ने बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस से किसी भी कीमत पर गठबंधन न करने की बात भी कही। कहा कि नंबरों के बजाय जिन सीटों पर अच्छे लोग मिलेंगे वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैंने आपको अभी बताया ना, मेरा एजेंडा इस प्रदेश का सीएम बनना नहीं है। मेरा एजेंडा इस प्रदेश के युवा को खुशहाल करने का है। मेरा एजेंडा प्रदेश के किसान को, गरीब को, मजदूर को उस बदहाली के दौर से निकालकर उसको खुशहाल बनाना है। प्रदेश को विकास के एजेंडे पर लेके जाना है। ये सब एजेंडे लेकर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस विषय पर मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रदेश को आगे कैसे ले जाया जा सके उस एजेंडे पर लेकर हम लोग जो है ना अच्छी सोच के लोगों को इकट्ठा करके इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन भाजपा, कांग्रेस और जजपा से मैं किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं करेंगे। कितनी सीटों के साथ युद्धाई उतरेंगे सर आपके? देखिए, अभी हम कोई नंबर पे नहीं जाना चाहते, हम अच्छे लोगों पे जाना चाहेंगे। हमें 20 लोग अच्छे मिलेंगे, ईमानदार, निष्ठावान मिलेंगे, जो जनता के चाहते होंगे तो 20 को लड़ाएंगे, 50 मिलेंगे 50 को लड़ाएंगे, 90 मिलेंगे तो 90। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर पलटवार करते हुए कुंडू ने कहा कि वो उचाना से अपनी सीट बचाकर दिखाएं। माँ बेटा समेत पूरा परिवार हरियाणा में कहीं से कोई चुनाव नहीं जीत सकते। मैम की जनता ने मुझे आशीर्वाद और प्यार दिया था और वोट दिया था, उनके ऊपर खरा उतर कर मैंने 4 साल में पूर्व किया, जिसकी वजह से हरा पूरा प्रदेश। आज दादरी में मेरा क्या, मैंने क्या किया दादरी में? आज ये दादरी का ग्राउंड जो वाटिका का भरा था, ये मेरी उस सोच का, उस काम की वजह से आज दादरी के लोगों ने ये प्यार आशीर्वाद दिया। ये बदलाव का चिंगारी है, ये आपको देखने को मिल रहा है, इस प्रकार की ये शुरुआत है। आगे आगे बहुत बड़ा जन सैलाब हर विधानसभा में देखने, और लोग बदलाव चाहते हैं, तंग आ चुके हैं लूट और झूठ की राजनीति से, इन राजघरानों की प्रथा से खत्म, लूट बिल्कुल अति हो चुकी है। दुष्यंत चौटाला कहते हैं बलराज कुंडू अपनी भी सीट नहीं बचा सकते महम में, तो ऐसे में नई पार्टी लेकर तो नहीं चल रहे दूसरे लोगों को सामने उतार कर? दुष्यंत चौटाला अपनी परवाह करे, बलराज कुंडू की परवाह ना करे। बलराज कुंडू इस जनता का बेटा है, जनता का भाई है। मुझे संभालने वाले लाखों मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई बंधु, मेरा परिवार मेरे साथ है। वो अपनी चिंता करे कि उनके खानदान से, मैंने पहले भी घोषणा की राज फिर आपके बीच में, उनके खानदान से कोई अब की बार विधानसभा का या लोकसभा का मुखड़ा नहीं देखेगा। मैं आपको इस बात का दावा करता हूँ, लिख के देता हूँ मैं इस बात के लिए। क्या उनके साथ आप चुनाव लड़ सकते हैं चौटाला परिवार के साथ? बिल्कुल नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। दुष्यंत फैमिली ये जो है ना, युवराज लुटेरे लोगों के साथ में बलराज कुंडू कोई गठबंधन किसी प्रकार का कोई दूसरी पार्टियों से अगर कोई बड़े नेता आपकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगे तो क्या उनको पार्टी में लिया जाएगा? देखिए, जनता के उसको देखकर, कोई दूसरी पार्टियां खराब नहीं होती, नेता खराब होते हैं। उन पार्टियों में अगर उनमें भी कोई ईमानदार अच्छा ऐसा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उन पार्टियों के द्वारा इग्नोर कोई ऐसा ईमानदार शख्सियत कोई आती है, तो निश्चित रूप से उसको हम अपने साथ स्वागत करेंगे। बहरहाल, विधायक बलराज कुंडू ने दादरी की सरस्वती वाटिका में हरियाणा जनसेवा मिशन 2024 का आगाज करते हुए कहा कि हरियाणा में आगामी विधानसभा का पार्टी द्वारा बिगुल फूंक दिया है। दादरी में उमड़ी भीड़ का असर पूरे प्रदेश में दिखेगा। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।